एवरीवन, मेरा नाम है अमोल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कोंकण। तो वीकेंड स्टार्ट हो गया है और 6:30 बज गए और हम निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये लोग चाय ले रहे हैं, हम रुके हुए हैं, अम्बोली घाट स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल भी फॉग नहीं है यहाँ पे और बहुत क्लियर वेदर है। इधर का सीन कुछ इस तरह है। तो हमको लेट हो रहा है और हम जल्दी चल रहे हैं। यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए थे सब लोग, आगे का सफर कंटिन्यू होगा। हम आए हैं पिंगुड़ी में स्नेहा काकी के पास और यह है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। हम थोड़ी गार्डन देखने चलेंगे अभी। ये जाम का पेड़ है, अभी जस्ट समर स्टार्ट होने ही वाला है तो अभी जाम नहीं लगे हुए हैं। जाम एक फ्रूट है, वाटरी फ्रूट, और यहाँ पे अभी अभी जस्ट फ्लावर्स लगे हुए हैं कुछ इस तरह। तो इनके बाद सारे फल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही वाटरी और जूसी फ्रूट होता है। अब हम चल रहे हैं खवड़े, जहाँ पे हमारा मैंगो फार्म भी है। तो ये है हमारा मैंगो फार्म। और यहाँ पे कैशू फ्रूट भी है। यहाँ पे काफी सारे बोंडू लगे हुए हैं और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ कि पके हुए होंगे, होपफुली स्वीट होंगे। तो यहाँ पे है मैंने अभी अभी निकाला हुआ फ्रेश बोंडू। इसके बाद हम चल रहे हैं हुमरमाड़ा जयात्या के पास। अब हम चल रहे हैं खवड़े बीच और अभी सनसेट का टाइम भी है। ऑलराइट, तो ये था खवड़ा बीच। सनसेट हो गया है अभी, या काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, आज पूर्णिमा भी है
अभी धीरे धीरे अंधेरा बढ़ेगा, उससे पहले हम घर चलेंगे। सो सी यू देयर। ऑलराइट, तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ये है हमारे रात का खाना, शिरवाड़े और रस। बाय। तो सुबह होते ही हम निकल गए उमरमाड़ा से। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे टू ऑफ कोकण ट्रिप। तो अभी हम मालवण के लिए निकल रहे हैं रेडी होके। यहाँ पे पेट्रोल डाल रहे हैं, 40 मिनट लगेगा हमको मालवण पहुँचने में। लेट्स गो। तो ऑन द वे टू मालवण हम रुके हुए हैं करली रिवर पे। ये नदी सीधा जाके अरेबियन सी से मिलती है, हम वहीं पे जा रहे हैं मालवण में। यहाँ पे है मालवण का बस स्टॉप। हम मालवण बीच पहुँच गए हैं, हमने कार पीछे पार्क कर दी है और इसके बाद हम चलेंगे सिंधुदुर्ग फोर्ट पे। यहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स दिखेंगे आपको सी कोस्ट, और वहाँ पे है सिंधुदुर्ग किला। यहाँ पे है बोटिंग एरिया। अभी हम जा रहे हैं बोटिंग एरिया की तरफ, और ये देखो। इस बोट में हम बैठने वाले हैं। अब हमारी बोट निकल चुकी है। So finally we are reaching Sindhudurg Fort. Okay, boat park कर दी है, हमारे पास एक घंटा है घूमने के लिए। हमने कवर किया है पूरा सिंधुदुर्ग किला, और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है बोट तक पहुंचने के लिए। अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें छोड़ के चले जाएंगे वो लोग। सो नाउ वी आर रिटर्निंग टू द सी कोस्ट। इसके बाद हम चल रहे हैं अपर डेक रिसोर्ट। तो ये है द अपर डेक रिसोर्ट। ये संदीप काका और देवता मौसी ने खुद डेवलप किया है और अच्छे से मेंटेन भी कर रहे हैं। ये है डाइनिंग एरिया सराउंडेड बाय नेचर। और ये है सिंधुदुर्ग फोर्ट जहाँ से हम लौट रहे हैं। वेलकम ड्रिंक कोकम। तो ये है द अपर डेक रिसोर्ट। यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है और इनका गार्डनिंग भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है। अभी हम चल रहे हैं च्यूला बीच पे। च्यूला बीच भी हो गया, इसके बाद हम चल रहे हैं घर। एंड नाउ वी आर रिटर्निंग होम फ्रॉम आंबोली।
तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।